मैं सेट पे उसको मिलने गई, थोड़ा प्रेशर था उस पर क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है। उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। तनिषा थोड़ी सी परेशान थी तो मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, फिर शिजान ही उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से। हाँ मर्डर भी हो सकता है। 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहां पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती क्योंकि टनिशा मैं बताऊं सुसाइड करने वाली नहीं थी। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए। आखिर टनिशा की मौत से पहले उन 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से टनिशा ने लिया था अपनी जान देने का फैसला? 15 मिनट को लेकर टनिशा की माँ ने किए कई शॉकिंग खुलासे। बेटी की जाने के बाद शिजान और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। टनिशा के उन आखिरी 15 मिनट को लेकर क्या कहा टनिशा की माँ ने, आइए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी की इस रिपोर्ट में। वेल सीरियल अलीबाबा दास्ताने काबुल की लीड एक्ट्रेस टनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद हर कोई हैरान था कि आखिर टनिशा ने इतना बड़ा फैसला कैसे उठा लिया। टनिशा के जाने के बाद उनकी माँ को गहरा सदमा लगा था, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में वो बेसुध भी हो गई थी और कई बार बेहोश होने के बाद उन्हें पानी देकर वापस होश में लाया गया। आपको बता दें कि टनिशा के जाने के बाद उनकी माँ ने शिजान खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और ये खुलासा किया था कि टनिशा पर शिजान दबाव बनाता था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खुलासा हुआ कि टनिशा ने अपनी जान देने के 15 मिनट पहले शिजान के साथ बैठकर लंच भी किया था, लेकिन उस दौरान कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई जिसके बाद टनिशा ने ये कदम उठा लिया। ऐसे में अलीबाबा के सेट पर आखिर टनिशा के साथ ऐसा क्या हुआ उन 15 मिनटों में, इसके बारे में टनिशा की माँ और मामा ने खुलकर बात की और आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टनिशा की माँ ने उन 15 मिनटों के बारे में भी जिक्र किया और कई तरह के सवाल खड़े किए और साथ ही शिजान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। आप भी देखें कि क्या कहना है टनिशा की माँ का उन 15 मिनटों पर। सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा सोच, उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो टनिशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनिशा को, टनिशा थोड़ी सी परेशान थी तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना? कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम। मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो में आएगी, आपको तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, कुछ और भी है। हाँ मर्डर भी हो सकता है। मैं तो बोलूंगी एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में चला नहीं किया या नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं,
कुछ क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी, जहाँ कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर। हाँ, प्लान्स थे उसके बारे में बता रहे थे कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि तुनिशा की सरप्राइज पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज ही दूं मैं, उसमें उसको भी इनवाइट करना था। उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूंगी। मैं कह नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूंगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊंगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूंगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दूंगी यू जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। उस इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। मेरे मन में आता है, मेरे मन में आता है, क्योंकि टुनिशा मैं बताऊँ सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो उस क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है, बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान, तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कन्फर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मामा, मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंड ही थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, मैं सेट पे जाया होते। मैं अभी सोच ही रही थी तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके हॉस्पिटल।